खासखबर.com में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ी। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने रेजिडेंट्स को दी बर्खास्त की चेतावनी। सरकार उठा सकती है सख्त कदम। नव संवत्सर व चेटीचंड के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम। उदयपुर में आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री धर्म सभा में होंगे शामिल। मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल की प्रतिक्रिया। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसे पाने का साधन। भाजपा का हमला। राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को, सेना का अपमान करते हैं, शहादत का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं सत्य मेरा धर्म है। वारिस पंजाब दे का चीफ खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह पंजाब से भागा, हरियाणा में रुका, अब उत्तराखंड में होने का शक। भाजपा ने राजस्थान में सीपी जोशी समेत चार राज्य बिहार, दिल्ली व उड़ीसा में बनाए नए प्रदेशाध्यक्ष। बिहार की कमान सम्राट चौधरी व दिल्ली की वीरेंद्र सचदेवा को उड़ीसा में पूर्व केंद्रीय मनमोहन सामल को बनाया। गजवाए हिंद मामले में तीन राज्यों के सात ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भगवान हनुमान के अपमान के आरोप में ईश निंदा कानून के तहत एक पत्रकार गिरफ्तार। भारत में कन्नड़ अभिनेता और जाति विरोधी कार्यकर्ता चेतन कुमार उर्फ चेतन कुमार अहिंसा को हिंदुत्व विरोधी ट्वीट करने पर गिरफ्तारी के बाद भेजा जेल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चेताया, अभी वैश्विक महामारी नहीं हुई खत्म। दुनिया में 94,000 नए मामले आए सामने। झारखंड में नई रोजगार नीति के खिलाफ रांची में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने खदेड़ा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।